राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर सेशन कोर्ट, दी बार डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन सहित अन्य बार एसोसिएशनों के लिए शुक्रवार को मतदान हो रहा है। पुलिस की ओर से बार चुनावों को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान कराने के लिए गठित समिति की देखरेख में ये चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। मतदान के दौरान सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच बार एसोसिएशन कार्यालय में रखा जाएगा। शनिवार को चुनाव अधिकारियों की देखरेख में मतदान पेटियों को खोलकर मतों की गणना की जाएगी। आज राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव शुरू हो गए हैं। मतदान सवेरे सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है और लगभग अभी 500 करीब वोट हमारे अधियुक्तों द्वारा डाल दिए गए हैं। किन किन पदों पर वोटिंग हो रही है? यहाँ पर हमारे अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष एवं 8 एग्जीक्यूटिव के लिए हमारे मतदान हो रहा है। और भी अन्य कुछ पद हैं जिन पर हमारे मतदान हो रहे हैं और मतदान बहुत ही व्यवस्थित रूप से चल रहा है। वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स बहुत ही शांतिपूर्ण से चल रहा है और हमारे सीनियर से, वरिष्ठों से, हमारी बहनों से, भाइयों से, सभी से निवेदन है कि वह अपने मतदान का उपयोग आराम से, सहज रूप से करें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार आज चुनाव संचालन समिति द्वारा ये हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव कराया जा रहा है, जिसमें कुल 4660 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान बड़ा शांतिपूर्ण चल रहा है। हमने इस बार नई व्यवस्था ई पर्ची की व्यवस्था रखी है। हमने SMS के द्वारा ई लिंक भेजा है जिससे वो अपनी ई पर्ची डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद हम एक नई पर्ची देंगे और उसके बाद वो अपना बैलेट पेपर लेंगे और मतदान करेंगे। मतदान खत्म होने के बाद हमने सारी जो जितना भी मतदान स्थल है, पूरा मतदान स्थल को तथा मतदान को पूरे को हमने CCTV से कवर किया हुआ है। उसके पश्चात पुलिस सुरक्षा में मतपेटियाँ बार एसोसिएशन के ऑफिस में रखी जाएंगी और कल सुबह 10 बजे मतगणना प्रारंभ होगी, जब इनकी सील खोली जाएगी।